গুড আফটারনুন এভরিয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল অপনারয় ব্লগ তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি অনেক অনেক ভালো আছো তো পেহলেবেলা যো মেনে পার্ট ওয়ান ছোড়া থা ও স্মেসেই ছোট দিয়ে থা ইসিলে মেনে উসকে বাদে চালু কিয়া মানে এর আগের যে পার্টটা আমি শুরু করে শেষ করেছিলাম এখানেই তো তার জন্য তার কিছুটা পার্ট আবার সেখান থেকেই শুরু করলাম সেকেন্ড পার্টটা তো দেখো আমরা টাইগারটা দেখে এসে এখানে এইদিকে আছে চিতা तो ये सब हमें देखते और ये दिखे खूब सुंदर सीनरी को रखे से देखो दारून ऐसा लग रहा है पूरा रियल सीता बैठा है और इस साइड में गार्डन भी बनाया था बहुत अच्छा था ये फ्लावर बहुत अच्छा लग रहा था लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप था इतना धूप था ना मतलब फ्लावर के सामने थोड़ा देर खड़ा होकर फोटो खींचने में मेरे को इतना सर दुख रहा था इसीलिए नहीं ज़्यादा फोटो नहीं खींचा था और ज़्यादा वीडियो भी नहीं किया था फिर भी दूर से थोड़ा सा किया जाने आने की टाइम लेकिन मन कटा था थोड़ा देख लूँ थोड़ा अजीब भर के ये गार्डन फूल किसको ना देखने में अच्छा लगता है सबको ही अच्छा लगता है लेकिन धूप की वजह से मैं जल्दी जल्दी भागा और इधर देखो गर्ल फ्रेंड बॉयफ्रेंड सेल्फी ले रही थी और ये जो छोटा छोटा बच्चे लोग हैं ना ये कोई शायद आदिवासी लोग होगा मतलब वो क्या बोलते प्राइमरी स्कूल का स्टूडेंट आया और यहाँ पे देखो चीता वो सो रही है दूर से देख रही थी तो हम लोग इतना उसको बुला रही थी लेकिन वो नहीं सुन रही थी अरे देखो इसको क्या बोलती है बन भी डालना ऐसा कुछ बोलती है तो बिल्ली को देखो झूला झूलने के लिए ये सब रखा था और बाबू तो उसके साथ ही बो, मतलब बात कर रही थी बचपन में इसका बात इतना सुना हम लोगों ने तो अभी दूसरा जगह जाएंगे देखो ये कितना अच्छा घना जंगल है यहाँ पे साव था बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे ठंडी लग रहा था बहुत मतलब उस साइड में धूप लग रहा था इधर आके अच्छा लगा था ऐसा लग रहा है थे कहा जंगल में आ गया <laughs> जब भी मतलब इसके अंदर घुसती हूँ ना डर 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 सा भी लगता है अंधेरा <laughs> अंदरा डर सा डर सा लगता है थोड़ा थोड़ा दूसरे जगह पे ज्यादा रोशनी है तो यहाँ पे थोड़ा सेल्फी वगैरह ले लिया हम लोगों ने और देखो यहाँ पे कौन है कौन है बोलो बताओ कौन है कौन है ये है शेर जी मतलब लायन सिंह किंतु वो एतो दूर रहे जो और फोटो भलोकर नीते पड़ी नहीं यही साइड देखो और एक टाइ और एक शेर है मतलब ये टाइगर है तो ऐसे सबको देख रही थी एक भैया बोल रही थी अ पिंकी पिंकी करके ये वो लेडीज़ के नाम लेके इसको सब बुला रही थी <laughs> इतना हंसी आ रही थी लड़का लोग इसको लड़की का नाम मतलब कोई हीरोइन का नाम कोई ना में मतलब डांस करते उन लोगों का नाम बोल के इसको बुला रही थी बहुत हंसी आ रही थी मेरे को भी तो ये बहुत नज़दीक था इसीलिए इसका फोटो भी थोड़ा ले लिया और फिर बाबू थक गई थी फिर एक हाथ का वो मतलब पंजा रखा था बना के ए, देखो कितना अच्छा लगा था रियल जैसा लग रहा था तो उसके ऊपर बाबू बैठ गई थी क्योंकि वो थक गई थी बहुत मतलब दो तीन किलोमीटर ऑलरेडी हमारी वॉकिंग हो गई तो बाबू यहाँ पे थोड़ा बैठ के मैं भी थोड़ा बैठा था बाबू के पास क्योंकि इतना पैदल चला हम लोगों को पैर दुख रहा था तो बाबू बोल रही थी मम्मी अभी चलो 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 थक गई तो इस साइड में वो अपन जाके सामने इस साइड में थोड़ा बगीचा भी बनाया ये फ्लावर का बगीचा भी बहुत अच्छा था और वो हाथी का वो बनाया था अच्छा लगा था इतना ज़्यादा फूल खिला था यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा धूप था देखने से ही लगता इस दिन ही ज़्यादा धूप था दूसरा दिन इतना धूप नहीं लगा था ये क्या है बताओ ये क्या है मछली है लेकिन रियल वाला नहीं है बैठने का चीज़ है इसे आके आगे आके देखोगी तो पता चलेगा देखो बैठने का <laughs> बच्चे लोग बैठने के लिए तरस रही थी लेकिन बहुत अच्छा था अभी हम लोगों को बहुत भूख लगा इसीलिए खाना खाने के लिए उधर ही उसके सामने ही वो जो मछली है उसके सामने ही वो रेस्टोरेंट है सब लोग यहाँ पे आके खाना खा रही थी बहुत ज़्यादा मतलब महंगा भी था लेकिन क्या करें खाना तो खाना ही पड़ेगा ना जैसे भी हो तो हमने छोला बटर लिया ये दोनों ने डोसा लिया लेकिन डोसा एक तो जला दिया उसका पापा से आलू वगैरह ऐसा कुछ नहीं खाया ऊपर से खाया था आज मैंने बड़ा बड़ा दो झूला भट इतना था मेरा आधा खा के मैं नहीं खा पा रही थी फिर भी ऐसे वैसे करके मैं उसको पापा बोले खा लो खा लो फिर बाद में और भी वॉकिंग करना पड़ेगा तो फिर खाना खा के फिर थोड़ा कोल्ड ड्रिंक भी पी लिया था क्योंकि खाना ज़्यादा हो गया था और बाबू थोड़ा अच्छा खाया था और देखो हम माँ बेटे दोनों ही झूला झूल जुल रही है मेरे को तो झूला झूलना बहुत बहुत पसंद है मेरा मतलब मैं जहाँ पे जिंदगी में मतलब क्या बताऊँ लास्ट में रहूँगी वहीं पे मैं एक झूला लूँगी क्योंकि खुद का घर पे झूला रखना मतलब ये है दूसरे घर में कहाँ पे रखेंगे इसीलिए भाड़ा में रहते तो नहीं करती हूँ जब घर बनाऊँगी तब मैं झूला बनाऊँगी मेरे को बहुत अच्छा लगता है मैं बुढ़ा होकर भी झूलूँगी <laughs> मेरे हस्बैंड के साथ झूला में दोनों बात करेंगे मेरे को बहुत सपना है ये लेकिन बातों बातों में बता दिया मेरा पर्सनल है ये फिर भी बता दिया आप लोगों के साथ शेयर कर शेयर कर लिया और इधर जो है झूला ये बहुत अच्छा था क्योंकि एक आदमी ऐसा उठा रही थी और सांप भी था बहुत मतलब मस्त था वो वाला झूला तो इस साइड में इतना घना जंगल है ना डर लग रहा था इधर सीधा दो रोड है वहाँ और एक उस साइड में है लेकिन हम लोग उस साइड में नहीं गया अभी और नहीं है अभी मतलब थक गई हूँ फिर भी कहा कब घर जाएंगे पता नहीं मतलब रोड मिलेगी मतलब इधर क्या होता है ना घूम के घूम के घूम के घूम के रोड को मतलब पता नहीं चलता कौन सा गोली किसके साथ मिलता है तो देखो यहाँ पे भालू है एक भालू तो नीचे गिर गई थी गिर गई थी नहीं वो सो रही थी उसको लेके सब लोग मजाक कर रही थी और इस साइड में देखो जितना भी लेडीज़ लोग हैं ना ये सब नर्स ट्रेनिंग दे रही थी ये लोग भी कॉलेज से आ गया छोटा छोटा लड़की लोग यंग लड़की बड़ा लड़की मतलब सीनियर जूनियर सब नर्स लेडीज लोग आया था तो ये लोग इसको ले बहुत मजाक कर रही थी तो बहुत अच्छा लगा था और उस साइड में भालू बाप रे कितना उसका बॉडी कितना था ऐसा लग रहा था वो पालवा ने बहुत मस्त बॉडी था <laughs> सब लोग बोल रही थी क्या खा के इतना मोटी हो गई या तू फोटो में इतना वीडियो में नहीं लग रहा था लेकिन सामने से आप लोग देखोगे तो लगता है कितना मतलब गोलू मोलू था बहुत अच्छा था ये देखो भालू <laughs> बहुत अच्छा था बहुत अच्छा था ये वाला गोलू मोलू इन लोगों को खेलने के खेलने के लिए देखो ये सब बनाया था मस्त बनाया था इसके ऊपर चढ़ेंगे खेलेंगे कूदेंगे ये क्या होता है ना जू रखने के लिए बनाने के लिए प्लेस बहुत ज़्यादा होना चाहिए लेकिन यहाँ पे सीरियसली बहुत ज़्यादा ये रखा है लोगों ने बहुत मेंटेन करके बहुत ज़्यादा प्लेस रखा इन लोगों को खेलने के कूदने के लिए घूमने के लिए और इस साइड में क्या है बताओ इस साइड में कोकोडाइल है तो देखो एक तो हा करके ऐसे मुँह खुला करके सो रही थी মুখ খুলে শুয়ে আছে আর এই সাইড ওর বেবিটাও শুয়ে আছে মুখ খুলে বাবু তো দেখে চিৎকার করছিল আর ওই সাইডে আর একটা কুকুর ডেইল ও শুয়ে আছে তো সবাই এত চিৎকার চেঁচামেচি করছে বাচ্চারা কে কার ডাক শুনে কেউ শুনতে পাচ্ছে না কেউ শুনছে না ওর ডাক ওদের ডাক কেউ শুনছে না তো আমার ভিডিওটি তোমাদের কেমন লাগলো বন্ধুরা প্লিজ বলো আর কেউ স্কিপ করো না আর ভালো লাগলে প্লিজ লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করে দিও আর এর পরের পাটটা বারটা যেহেতু বড়ো হয়ে যাবে তার জন্য পরের পাটটা আবার নিয়ে আসছি তো তবতাক তোমলোক সব আচ্ছা রো সুস্থ রো ইস দোসরা পার্ট মেয়ে ফের লেকের আয়েগে কাল দূসরা পার্ট মেয়ে বি বৎ খুশে আপলোক জরুর দেখ না প্লিজ তাবতাক আপলোক সব ঠিক রেহে দেখো এ বালাবি তোরা ঘুমড়ই আবি। তো এর পরের পাটটা এর পরের দিন নিয়ে আসছি তোমরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো যে যেখানেই থাকো বাই বাইটা